खालस टीवी ते इस वेले दी वड्डी खबर है कि करोना दी तीजी लहर मठी पैण मगरों संसार दे कई देशां ने कोविड पाबंदियां चक दित्तियां ने, पर कई देश हाले भी इन्हां पाबंदियां नूं कायम रखण दे पक्ष विच हन, जिस दा नतीजा ये निकल के सामने आ रहा है कि आम जनता तंग आके विरोध विच सड़कां ते उतर आई है ते कई जगह इस मामले विच आम जनता ते सरकारां आमो सामने आ गईयां ने। इस दी सब तो वड्डी उदाहरण उदों देखण नूं मिली जदों कैनेडा विच ट्रक ड्राइवरां लई टीकाकरण लाजमी कीते जाण मगरों विरोध शुरू हो गया ते कैनेडा अमरीका दी सरहद ते कैनेडियन ट्रकरां ने आज़ादी काफिला कढ़िया ते नाल ही ट्रूडो सरकार दीआं महामारी पाबंदियां तों लै के कार्बन टैक्सां तक सारियां नीतियां दा विरोध किया। देश की राजधानी ओटवा विच 3 हफ्तों तो इस संबंधी विरोध प्रदर्शन चल रहे ने। प्रदर्शनकारियों ने अंबेसडर ब्रिज, विंसर, ओंटारियो ते डेट्रॉइट विचकार एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग नूं 6 दिनों लई बंद कर दिता सी, जिसनूं पुलिस ने हुण साफ करवा लिया है। सरकार ने एमरजेंसी एक्ट तहत प्रदर्शनकारियों के फंडा विच कटौती करन दे इरादे नाल कनेडा विच एमरजेंसी लागू कर दिती है, जो कि 50 सालों विच पहली बार होया है। देश के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने मीडिया नाल गलबात करते हुए कहा है कि इस तरह की नाकाबंदी साडी अर्थव्यवस्था नूं नुकसान पहुँचा रही है ते जनतक सुरक्षा नूं खतरे विच पा रही है। असी गैर कानूनी अते खतरनाक गतिविधियां नूं जारी रखने इजाजत नहीं दे सकते ते ना ही देवांगे। कैनेडा दे मगरों न्यूजीलैंड सरकार ने भी वैक्सीन विरोधी प्रदर्शनों खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इतने प्रदर्शनकारियों ने न्यूजीलैंड की संसद के बाहर सड़क पर ही टेंट ला के करोना की रोकथाम लई जारी हुक्मों का विरोध करना शुरू कर दिया सी ते राजधानी वेलिंगटन विच 1 हफ्ते तो प्रदर्शनकारियों ने सड़कां भी रोक दित्तियां सी। कुछ दिन मगरों प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए 120 प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार कर लिया सी, जिस नाल पहला तो प्रदर्शनकारियों की गिनती जिहड़ी सी ओह काफ़ी घट गई, पर हफ्ते के अंत विच इह दोबारा वध के 3,000 तो भी उपर हो गई। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा ऑर्डन ने कहा है कि करोना की रोकथाम लई जारी हुक्मों का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी धमकी अते दमन का सहारा लै रहे हैं। पत्रकारों को संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासन के सबर के बन जड़े ने टुट रहे हैं, तो प्रदर्शनकारियों को लैके मेरा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, तो जिस तरह उन्होंने विरोध प्रगटाया है उसनू बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये केंद्रीय वेलिंगटन लोगों डराउण अते परेशान करदे नज़रिए तो भी अगे वध चुका है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों अपने टेंट अते वाहन उतों जल्दी तो जल्दी हटाने लिए आख्या है ते बदल वजो वाहन नेड़े स्टेडियम च खड़े करने की पेशकश की है। इसी तरह यूरोप दे देश फ्रांस विच कोविड पाबंदियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के 500 वाहनों ने देश की राजधानी विच वड़न की कोशिश की, जिन्हों पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिछे ही रोक दिता। एक ट्वीट राही पुलिस प्रशासन ने दसिया है कि 200 मोटरसाइकिल चालकों के चलान कट्टे गए हैं, कई काफलिया पैरिस के मुख्य इलाकों में पहुंचने तो पहले ही रोक लिया गया है। ये प्रदर्शनकारी फ्रांसीसी झंडे लहराते हुए आज़ादी के नारे लगाते हुए इकट्ठे हुए सन। इसे दौरान 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस टीवी।